क्या तुम लोगों को बताएं माइनक्राफ्ट के अंदर हेवी कोर ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है? यार कुछ भी कहो, हेवी कोर ढूंढते ढूंढते थक चुका हूं मैं। एक काम करते, एक डर्ट खा लेते, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और बताओ कैसे हो? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइनक्राफ्ट 1.21 के लेटेस्ट स्नैपशॉट के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में। तो चलो जी भैया, आज का वीडियो शुरू करते। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करने वाले ट्रायल चेम्बर के बारे में। माइनक्राफ्ट के अंदर ट्रायल चेम्बर थोड़ा सा ज्यादा ही रेयर हो चुका है। मतलब ऐसे घूमते फिरते ट्रायल चेम्बर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अभी सवाल ये है, तो फिर ट्रायल चेम्बर मिलेगा कैसे? मैप के मदद से। बिल्कुल, माइनक्राफ्ट के अंदर एक ब्रांड न्यू मैप एड हो चुका है जिसका नाम है ट्रायल चेम्बर मैप। इस वाले मैप के मदद से हम लोग बड़े आराम से ट्रायल चेम्बर को ढूंढ सकते। लेकिन अभी ये मैप कहाँ पे मिलेगा? देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग कोई भी कार्टोग्राफर विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके उसको जर्नीमैन लेवल पे लेके जाते हैं, तो हर एक कार्टोग्राफर विलेजर अपने को एक ट्रायल चेम्बर के मैप देने वाला है। अभी इस वाले ट्रायल चेम्बर मैप के मदद से हम लोग बड़े आराम से ट्रायल चेम्बर को ढूंढ सकते हैं। देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर एक विलेजर एक ही ट्रायल चेम्बर का मैप देने वाला है। अगर हम लोग चालाकी करके इस वाले विलेजर को दूसरे लोकेशन में ले जाके ट्रेडिंग करते हैं, तब भी वो सेम ट्रायल चेम्बर का ही मैप देने वाला है। हालांकि हम लोग भरे आराम से विलेजर के पास से अलग अलग ट्रायल चेम्बर का मैप ले सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग एक ही जगह पे अलग अलग विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं एंड देन उनसे ट्रायल चेम्बर का मैप उठाते हैं, तो हर बार विलेजर्स अलग अलग ट्रायल चेम्बर का मैप देने वाला है। मतलब जितने कार्टोग्राफर के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे अपने को उतना ट्रायल चेम्बर का मैप मिलेगा। बस कार्टोग्राफर के साथ ट्रेड करते जाओ, अलग अलग ट्रायल चेम्बर का मैप मिलता रहेगा। 1.21 वाला अपडेट आ जाने के बाद कार्टोग्राफर विलेजर काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। देखो, ट्रायल चेम्बर के मैप तो बहुत ही ज्यादा सही है। निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है सीधे हेवी कोर से। माइनक्राफ्ट के अंदर हेवी कोर में भी बहुत सारा चेंजेस आया है। पुराने स्नैपशॉट के अंदर हेवी कोर को तोड़ने का कोई सही टूल नहीं था, लेकिन मोजैंग ने बता दिया है भाई हेवी कोर को तोड़ने का सही टूल है पिकैक्स। लेकिन समहाउ पता नहीं कैसे, अगर हम लोग हेवी कोर को पिकैक्स के मदद से तोड़ने का कोशिश करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शायद से आगे इसका टाइम थोड़ा सा घटा दिया जाएगा। और तो और, पिछले स्नैपशॉट के अंदर हेवी कोर जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, वो भाई वाटर एंड लावा के फ्लो से टूट रहा था। सिंपली वाटर प्लेस कर दो, खत्म हेवी कोर, बात था, कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन फिलहाल ये भाई पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। अभी हम लोग हेवी कोर को वाटर लॉक कर सकते हैं, और तो और लावा के फ्लो से भी हेवी कोर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर हेवी कोर को उठाना कितना ज्यादा मुश्किल है वो तो हम सबको पता है। ट्रायल चेम्बर के वॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ 2.1% चांस होता है हेवी कोर मिलने का। मतलब 20-30 वॉल्ट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही हेवी कोर मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई ये पूरी तरीके से सच नहीं है। माइनक्राफ्ट ने सीक्रेटली एक और जगह पे हेवी कोर को ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल है, बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे ट्रायल चेम्बर के अंदर, तो ट्रायल चेम्बर के लूट चेस्ट में भी अपने को हेवी कोर देखने को मिलेगा। देखो वंस अगेन, इसका चांस भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। यार ऐसे खतरनाक इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो, और लाइक, हाँ यार लाइक भी कर दो। इस वीडियो का लाइक गोल रखते 2400 लाइक प्लीज करवा दो। खैर, माइनक्राफ्ट ने इस वाले स्नैपशॉट के अंदर थोड़ा बहुत एडवांसमेंट भी डाल दिया है। पहले नंबर पे है भाई ट्रायल एडिशन। अगर हम लोग पहली बार ट्रायल चेम्बर को ढूंढते तो अपने को ये वाला एडवांसमेंट मिलता है। और तो और, अगर हम लोग ट्रायल की के मदद से कोई वॉल्ट को ओपन करते तो अपने को दूसरा एडवांसमेंट मिलता है जिसका नाम है अंडर लॉक एंड की। और तो और, अगर हम लोग एक्स के मदद से कोई कॉपर बल्ब को दोबारा से पूरी तरीके से जला देते तो अपने को ये वाला एडवांसमेंट मिलता है, लाइटन अप। इसके बाद एक और आसान सा एडवांसमेंट है, इसका नाम है क्राफ्टर्स क्राफ्टिंग क्राफ्टर्स। अगर कोई क्राफ्टर के अंदर हम लोग दोबारा से एक और क्राफ्टर बनाते हैं, तो फिर अपने को ये वाला एडवांसमेंट मिलता है। चलते अपना नेक्स्ट वाला एडवांसमेंट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। ये वाला एडवांसमेंट के लिए अपने को पहले मेस के मदद से कोई भी मॉब के ऊपर 50 हर्ट का डैमेज देना पड़ेगा। अभी ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, अपने को बस 10 से 11 ब्लॉक ऊंचाई से कोई भी मॉब के ऊपर कूद के अटैक कर देना है। बस मिल जाएगा अपने को नया वाला एडवांसमेंट, ओवर ओवरकिल।
अभी चलते सबसे मुश्किल वाला एडवांसमेंट के ऊपर। इसका नाम है भाई ब्लोबैक। देखो इस वाले एडवांसमेंट में क्या होता है, अपने को एक ब्रीज को मारना है उसी का अटैक से। मतलब जब ब्रीज भाई अटैक करता है तो उसका अटैक को उसी की तरफ मोड़ना पड़ेगा और उससे वो मरना चाहिए। यार ये सच्ची में बहुत मुश्किल एडवांसमेंट है, लेकिन इसको भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अपने को पहले ब्रीज को बहुत ही तगड़ा डैमेज दे देना है, मतलब एकदम एक हर्ट पे छोड़ देना है। उसके बाद बस उसके अटैक से उसको मार देना है, खत्म कहानी भाई, मिल जाएगा नया वाला एडवांसमेंट। और तो और अगर हम लोग विंड चार्ज के मदद से 8 ब्लॉक तक जंप कर पाते तो अपने को मिलेगा ये वाला एडवांसमेंट, हु नीड्स रॉकेट्स। देखो ये सब तो कुछ भी नहीं है, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स भी ऐड हुआ है। जैसे कि माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर हम लोग कमांड के मदद से एक स्टैक को 64 से 99 तक लेके जा सकते। मतलब हम लोग कोई भी आइटम या फिर ब्लॉक को 99 तक उठा सकते। अपने को बस ये वाला कमांड का इस्तेमाल करना है एंड हम लोग कोई भी नॉन स्टैकेबल आइटम जैसे पिकेक्स को भी 99 तक ले सकते। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, माइनक्राफ्ट के इस वाले स्नैपशॉट के अंदर हम लोग कोई भी आइटम को पिकेक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते। बहुत सिंपल है, अपने को बस ये वाला कमांड का इस्तेमाल करना है एंड बूम, अपने को एक ऐसा मेस मिल जाएगा जिसके मदद से हम लोग बड़े आराम से माइनिंग भी कर सकते हैं। कमाल का सिस्टम है भाई। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत देर से बात करते करते मेरे को बहुत तेज भूख लगा है, एक काम करते ये मेस खा लेते हैं। क्या बात करते हो भाई, बिल्कुल। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक और बेहतरीन कमांड भी ऐड हुआ है जिसके मदद से हम लोग कोई भी आइटम को खा सकते हैं, जैसे कि डर्ट। अपने को बस ये वाला कमांड का इस्तेमाल करना है एंड हम लोग अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते खाने में, और तो और सैचुरेशन लेवल भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते। भाई साहब क्या क्या ऐड हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो बस भाई आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।